जो लोग पूछते हैं कि जैन दीक्षा अपने मन से लेते हैं कि उन पर कोई जोर जबरदस्ती करता है, साधु अपने मन से बनते हैं कि किसी के दबाव में आकर बनते हैं, उन सभी लोगों के सवाल का जवाब है प्रवीण कांकरिया, एक मॉडल, एक्टर, डांसर, एन एंथुजियास्टिक पर्सन हु इज फुल ऑफ लाइफ, एंजॉयिंग ईच सेकेंड ऑफ लाइफ। एक ऐसा यंग लड़का जो हर पल बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, अपना हर एक सपना जी रहा है, हर एक नई चीज एक्सप्लोर कर रहा है। लेट नाइट पार्टीज हो या क्लब डांस, ट्रेकिंग एडवेंचर्स हो या न्यू हेयर स्टाइल्स ट्राई करना, बाइक राइडिंग हो या गेम खेलना, अपने में ही मस्त रहकर डांस करना हो या बिंदास चलना, अपनी फेवरेट मूवी देखना हो या जिम में जाकर बॉडी बिल्ड करना, बेफिक्र होकर घूमना हो या बेपरवाह होकर जीना हो, यह है प्रवीण कांकरिया, एक ऐशो आराम का जीवन जीने वाला लड़का। पर अब यह सारा ऐशो आराम, धन दौलत सुख सुविधाएं, हर एक शौक छोड़कर प्रवीण भाई अपनाने जा रहे हैं जैन साधु जीवन, लेने जा रहे हैं जैन दीक्षा। भले वो अपनी लाइफ जीने में कितने ही मग्न क्यों न थे, उनके आत्मा की उस परमात्मा के साथ डोर तब भी बनी हुई थी और अब भी बनी हुई है। प्रवीण भाई समझ गए हैं, जीवन में चाहे कितना भी इंजॉय कर लो, चाहे जो कर लो, बाहर का हर एक सुख क्षणिक है और किसी भी वक्त कोई भी चीज हमसे ये प्रकृति छीन सकती है। बस एक ही चीज है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता और जिसका अस्तित्व हमारे मरने के बाद भी है, वो है हमारी आत्मा। मनुष्य जन्म जो न जाने कितने जन्मों की ठोकरें खाने के बाद एक ही बार बड़ी मुश्किल से मिला है, अगर उसे इसी जन्म में सार्थक करना है तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे बेहतर एकमात्र तरीका है साधु जीवन अपनाना।